विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। इस 4 दिवसीय सत्र में पक्ष और विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया गया और इस विधानसभा सत्र में दोनों पक्ष में काफी नोकझोंक दिखाई दी। विपक्ष ने बहाना योजना मुद्दे को काफी उठाया। वहीं विधानसभा से पंडित नेहरू के फोटो हटाने पर भी विपक्ष द्वारा विरोध किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाषण हुआ जो पूर्ण रूप से सनातनी और हिंदुत्व से भरा हुआ था। वहीं कांग्रेस का कहना था कि मुख्यमंत्री ने योजनाओं के बारे में किसी भी प्रकार से नहीं बताया। क्लास में स्टूडेंटों को बता रहा है, यहाँ इतिहास तो ठीक है, अपनी जगह सम्मान करता हूँ इतिहास का, लेकिन मध्यप्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में मुख्यमंत्री जी नहीं कह पाए तो ये एक बड़े दुख की बात है मध्यप्रदेश के लिए। लाडली बहना योजना वो चाहते नहीं है, लेकिन आज चूंकि वो सदन में आश्वासन दिया है, अब आगे क्या होता है सर मालूम पड़ेगा। देखो, अगर हम हमारे धर्म का पालन नहीं करेंगे, हमको उनके इरादों से लग गया था कि लाडली बहना के 200 लाडली बहना के 1200 रुपए से बढ़ाकर अभी जो 3000 रुपए जो करना है, न उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में एक शब्द लिखा है, ये लाडली बहनाओं का भी अपमान है। दूसरी बात, न कहीं उन्होंने अपने संकल्प पत्र में इस बात को कही थी। शिवराज सिंह जी हर चुनावी सभाओं में बोलते रहे और करोड़ों रुपए उन्होंने विज्ञापन पे और इन पे खर्च कर दिए, लेकिन उनके चुनावी संकल्प पत्र में भी नहीं था। हमको कहीं ना कहीं इन पे संदेह था, हम इसलिए लाडली बहनाओं की बात को उनके अधिकार के लिए हम लड़ते रहे, उस बात को उठाते रहे। भाजपा को चाहने के बावजूद भी हम उनको लाडली बहना की योजना की राशि हम बंद नहीं होने देंगे, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे लाडली बहनाओं की। आर्थिक हमने सोचा था पहला वक्तव्य है तो जबरदस्त रहेगा, सबकी एकजुटता के बारे में होगा, क्या क्या योजनाएं कब कब लागू होंगी, शिक्षा के बारे में क्या होगा, स्वास्थ्य के बारे में क्या होगा, रोजगार के बारे में क्या होगा, किसानों की जो घोषणाएं करी हैं समर्थन मूल्य की उनके बारे में, पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। और दुख की बात इसलिए है कि वो घुमाते रहे, पर जो मुद्दा था कि बहनों को 3000 रुपये प्रति महीना जो लाडली बहनों को कब मिलेंगे ये आपको बताना था, रोजगार आप परीक्षाएं कब करवाएंगे ये आपको बताना था, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधारेंगे ये आपको बताना था। 4 लाख करोड़ से ज्यादा तो कर्जा हो गया है प्रदेश पर और बजट इससे कम है और कर्जा ज्यादा है, तो इसको कैसे कम करेंगे ये भी आपको बताना था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और इसलिए निराशा हाथ लगी है मुख्यमंत्री के भाषण से, और जो राज्यपाल ने अभिभाषण दिया था उससे भी निराशा हुई, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ एक ही व्यक्ति का महिमा मंडल रहा उसमें प्रदेश के लिए क्या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो विपक्ष के रूप में आज पूरी ताकत से हमने अपनी आवाज़ बुलंद करी है और हर विधायक पूरी ताकत से भारी पड़ा है उन पर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये तो शुरुआत है, सड़कों पर भी हम उतरेंगे और जनता से जो वादे करे गए उनको पूरा करवाने का हम लोग काम करेंगे। बहनों से जो उनने वादा करा है उसके बारे में अगर मुद्दा हमने उठाया वो उनको लगता है कि वो मुद्दा नहीं है, तो ये चीज समझ में आती है कि उनके लिए वो गंभीरता ही नहीं है। बोलो और भूल जाओ, झूठ बोलो, झट से बोलो, जोर से बोलो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। पर बात ये है कि हम चुप बैठने वाले नहीं, और ये कितना भी मुद्दा इधर उधर ले जाएं हम तो मुद्दों की बात करेंगे और जो जनता के मुद्दे हैं उनको पूरी ताकत से पटल पर भी रखेंगे और सड़कों पर भी लेकर उतरेंगे। थैंक यू। ठीक है, रोल कर, ठीक है, रोल है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति का वक्त, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं देखिए, न तो राज्यपाल जी के अभिभाषण में, जब उनका अभिभाषण चल रहा था तब भी हमको जेल लग रहा था कि शायद हम दिल्ली की संसद भवन में बैठे हैं, हमें लगा ही नहीं। हमें लगा यार अच्छी बात है, प्रमोशन कर दिया, बिन चुनाव लड़ाई इन्होंने लोकसभा भेज दिया। तो जितनी बार मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, और हकीकत ये कि ये जो वर्तमान सरकार बनी है ये लगता नहीं हमें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का जनादेश उन्हें मिला, मेरा तो मानना है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मोदी और शाह इसलिए इतने निरंकुश हैं, इसलिए उन्होंने तीनों राज्यों में जिस तरह से पूरे नेतृत्व को साइडलाइन किया है, उनको डर इसलिए नहीं है कि ये ईवीएम से निकला जनादेश है, उन्हें मालूम है कि इनके द्वारा कोई इनका वो नहीं है योगदान। और उसके बाद जब लगातार अभिभाषण चल रहा था तब भी मोदी 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 जी के अलावा कुछ नहीं था, मतलब इसका मतलब शिवराज जी ने कुछ किया नहीं। और अब जब हमें लगा कि नए मुख्यमंत्री आएंगे सदन में वक्तव्य देंगे तब तो ये छाया से बाहर निकलेंगे, लेकिन नहीं, वो छाया में और बिल्कुल बंधे हुए लगे।
एक बार भी प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं, किसान के बारे में चर्चा नहीं, किसान को बिजली नहीं मिल रही है इसके बारे में चर्चा नहीं, किसान की जो डीपियां इन्होंने चुनाव के समय रखवा दी वो डीपियों को लगातार उठवा रहे हैं इसके बारे में चर्चा नहीं। पहले आपने कह दिया कि किसान का बिल माफ करेंगे, अब एक महीना हुआ नहीं, अभी सदन पहली बार लगा है, क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि साहब डीपी उठ रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पूरे गांव के कनेक्शन बंद किए जा रहे हैं, भाई इस पर कोई चर्चा नहीं है उनकी। चाहे शहर का मामला हो, जब शहर में उन्होंने कहा था 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हम देंगे, अब उसमें 1000, 2000, 3000, 4000 का बिल जनता के पास पहुंच रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं की, और समस्या का समाधान कैसे होगा इस पर कोई चर्चा नहीं। वहीं तीर्थ दर्शन कराएंगे, तीर्थ को ले जाएंगे, मंदिर भव्य बना दिया उसको फ्री में ले जाएंगे, ये सारी वही बातें हैं, कोई जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है। अरे भारत के इतिहास में ना भूतो भविष्यति, ऐसे महान प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण के लिए आरक्षण दिया है, कांग्रेसी घबराए हुए हैं 28 में टिकट नहीं मिलेंगे, उनकी जगह नारियों को मिलेंगे, इसलिए ये विरोध करते हैं। और जब हमने मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण दिया जनप्रतिनिधियों के रूप में, और हमने शासकीय सेवा में आरक्षण दिया, और मोदी जी ने जो कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का 70 साल में नहीं कर पाया, बीपी सिंह और देवे गौड़ा नहीं कर पाए, और जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, वह काम नारी सशक्तिकरण का आरक्षण देकर लोकसभा विधानसभा में मोदी जी ने किया है, और नारियां सशक्त हो रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं। सीता सावित्री दुर्गा माँ पहले से हमारे बीच में थी, और बाद में सुषमा स्वराज जैसी, उमा भारती जैसी, राजमाता सिंधिया जैसी अनेक महान नारी नेतृत्व हमारी हुई है। हम नारी को सम्मान केवल दिखावे के लिए नहीं, हृदय से करते हैं। पार्टी ने भी काम किया है, आपने भी काम किया है, और 2001 के बाद 2020 ये एक ऐसा दौर आया है, 1947 से 2000 तक का जो दौर था उसकी तुलना में ये जो 20 वर्षों का दौर आया है इसमें पूरी दुनिया तेजी से दौड़ी है, और सभी ने काम किया है। आप मनी इन्फ्लेशन देखिए, मुद्रा स्फीति देखिए, सब चीज़ों को पैटर्न अगर बाजार का प्रोग्राम देखिए तो कोई भी सरकार होती तो ये सब काम करती, लेकिन बात ये है कि आप 40,000 रुपये आपने कर दिया, ऊपर से आप डबल इंजन सरकार की बात, मैंने उनसे ये पूछा है और 18 मजदूर और किसान में क्या बदला, आज क्या एक कार खरीद पा रहा है, क्या पंजाब की तर्ज पे किसान मशीनों पे आधारित हुआ है, आज भी अगर उसको बिटिया की शादी करनी पड़ रही है तो वो अपने जमीन का एक टुकड़ा बेचता है। दूसरी तरफ हमने ये कहा कि जब आपकी डबल पार्टी ने भी काम किया है, आपने भी काम किया है, और 2001 के बाद 2020 ये एक ऐसा दौर आया है, 1947 से 2000 तक का जो दौर था उसकी तुलना में ये जो 20 वर्षों का दौर आया है इसमें पूरी दुनिया तेजी से दौड़ी है, और सभी ने काम किया है। आप मनी इन्फ्लेशन देखिए, मुद्रा स्फीति देखिए, सब चीज़ों को पैटर्न अगर बाजार का प्रोग्राम देखिए तो कोई भी सरकार होती तो ये सब काम करती, लेकिन बात ये कि आप 40,000 रुपये आपने ऊपर से आप डबल इंजन सरकार की बात, मैंने उनसे ये पूछा है कि 20 वर्ष से एक सरकार है, 18 वर्ष से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, और 18 मजदूर और किसान में क्या
क्या एक कार खरीद पा रहा है, क्या पंजाब की तर्ज पे किसान मशीनों पे आधारित हुआ है। आज भी अगर उसको बिटिया की शादी करनी पड़ रही है तो वो अपने जमीन का एक टुकड़ा बेचता है। दूसरी तरफ हमने ये कहा कि जब आपकी डबल पहले मेरे को कैमरा तो देखने दो अच्छे से जी, वही मैं कह रहा हूँ मैं माइक जी सर राजस्थान के मार्केट में आपने लाडली बहना देखिए लाडली बहना के संबंध में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी ने स्पष्ट रूप से यह मांग करी कि क्यों ना इसका कानून मिलकर के बना दिया जाए जिससे कि सरकार कभी भी किसी की भी रहे पर लाडली बहनों को ख्याल रखा जा सके। इस पर मुख्यमंत्री जी मुझे बचते हुए दिखाई दिए, मुख्यमंत्री जी ने उस पर गोल जलेबी बना दी और कहीं ना कहीं बहनों का ख्याल नहीं रखा। अगर वो कानून बना देते तो हमारी बहन आने वाले वर्षों और जीवन भर के लिए सुरक्षित उनको एक राशि मिलती रहती। तो हम तो आज भी मांग कर रहे हैं, फिर ये मांग करेंगे कि अगर लाडली बहनों को वो हितैषी हैं तो क्यों ना विपक्ष और विपक्ष मिलकर इसका कानून पारित कर दे और हमेशा के लिए बहन सुरक्षित हो जाए। नहीं देखिए, न तो राज्यपाल जी के अभिभाषण में, जब उनका अभिभाषण चल रहा था तब भी हमको जेल लग रहा था कि शायद हम दिल्ली के संसद भवन में बैठे हैं। हमें लगा ही नहीं, हमें लगा यार अच्छी बात है प्रमोशन कर दिया, बिन चुनाव लड़ाई इन्होंने लोकसभा भेज दिया। तो जितनी बार मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, और हकीकत ये कि ये जो वर्तमान सरकार बनी है ये लगता नहीं हमें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का जनादेश उन्हें मिला। मेरा तो मानना है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मोदी और शाह इसलिए इतने निरंकुश हैं, इसलिए उन्होंने तीनों राज्यों में जिस तरह से पूरे नेतृत्व को साइडलाइन किया है, उनको डर इसलिए नहीं है कि ये ईवीएम से निकला जनादेश है, उन्हें मालूम है कि इनके द्वारा कोई इनका वो नहीं है योगदान। और उसके बाद जब लगातार अभिभाषण चल रहा था तब भी मोदी मोदी मोदी, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं था, मतलब इसका मतलब शिवराज जी ने कुछ किया नहीं। और अब जब हमें लगा कि नए मुख्यमंत्री आएंगे सदन में वक्तव्य देंगे तब तो इस छाया से बाहर निकलेंगे, लेकिन नहीं, वो छाया में और बिल्कुल बंधे हुए लगे। एक बार भी प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं, किसान के बारे में चर्चा नहीं, किसान को बिजली नहीं मिल रही है इसके बारे में चर्चा नहीं, किसान की जो डीपियां इन्होंने चुनाव के समय रखवा दी वो डीपियों को लगातार उठवा रहे हैं इसके बारे में चर्चा नहीं। पहले आपने कह दिया कि किसान का बिल माफ करेंगे, अब एक महीना हुआ नहीं, अभी सदन पहली बार लगा है, क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि साहब डीपी उठ रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पूरे गांव के कनेक्शन बंद किए जा रहे हैं, भाई इस पर कोई चर्चा नहीं है उनकी। चाहे शहर का मामला हो, जब शहर में उन्होंने कहा था 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हम देंगे, अब उसमें 1000, 2000, 3000, 4000 का बिल जनता के पास पहुंच रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं की। और समस्या का समाधान कैसे होगा इस पर कोई चर्चा नहीं। वहीं तीर्थ दर्शन कराएंगे, तीर्थ को ले जाएंगे, मंदिर भव्य बना दिया उसको फ्री में ले जाएंगे, ये सारी वही बातें, कोई जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है। नहीं देखिए, न तो राज्यपाल जी के अभिभाषण में, जब उनका अभिभाषण चल रहा था तब भी हमको जेल लग रहा था कि शायद हम दिल्ली के संसद भवन में बैठे हैं। हमें लगा ही नहीं, हमें लगा यार अच्छी बात है प्रमोशन कर दिया, बिन चुनाव लड़ाई इन्होंने लोकसभा भेज दिया। तो जितनी बार मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, और हकीकत ये कि ये जो वर्तमान सरकार बनी है ये लगता नहीं हमें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का जनादेश उन्हें मिला। मेरा तो मानना है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मोदी और शाह इसलिए इतने निरंकुश हैं, इसलिए उन्होंने तीनों राज्यों में जिस तरह से पूरे नेतृत्व को साइडलाइन किया है, उनको डर इसलिए नहीं है कि ये ईवीएम से निकला जनादेश है, उन्हें मालूम है कि इनके द्वारा कोई इनका वो नहीं है योगदान। और उसके बाद जब लगातार अभिभाषण चल रहा था तब भी मोदी मोदी मोदी, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं था, मतलब इसका मतलब शिवराज जी ने कुछ किया नहीं। और अब जब हमें लगा कि नए मुख्यमंत्री आएंगे सदन में वक्तव्य देंगे
तब तो ये छाया से बाहर निकलेंगे, लेकिन नहीं, वो छाया में और बिल्कुल बंधे हुए लगे। एक बार भी प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं, किसान के बारे में चर्चा नहीं, किसान को बिजली नहीं मिल रही है इसके बारे में चर्चा नहीं, किसान की जो डीपियां इन्होंने चुनाव के समय रखवा दी वो डीपियों को लगातार उठवा रहे हैं इसके बारे में चर्चा नहीं। पहले आपने कह दिया कि किसान का बिल माफ करेंगे, अब एक महीना हुआ नहीं, अभी सदन पहली बार लगा है, क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि साहब डीपी उठ रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पूरे गांव के कनेक्शन बंद किए जा रहे हैं, भाई इस पर कोई चर्चा नहीं है उनकी। चाहे शहर का मामला हो, जब शहर में उन्होंने कहा था 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हम देंगे, अब उसमें 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का बिल जनता के पास पहुंच रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं की, और समस्या का समाधान कैसे होगा इस पर कोई चर्चा नहीं। वहीं तीर्थ दर्शन कराएंगे, तीर्थ को ले जाएंगे, मंदिर भव्य बना दिया उसको फ्री में ले जाएंगे, ये सारी वही बातें हैं, कोई जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मध्य प्रदेश शासन ने महामहिम का अभिवादन तैयार किया उसकी एक बातें नहीं की, ना लाडली बहनों की बात की, ना किसान भाइयों के गेहूं की बात की, ना 450 की गैस की टंकी की बात की, ना धान की बात की, ना बिजली, ना सड़क, ना पानी की बात की, ना स्वास्थ्य की बात की, ना शिक्षा की बात की। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को वापस देवलोक से लाना पड़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री है, मुझे काफी उम्मीद थी कि भगवान महाकाल लोक पे चर्चा करेंगे, छिपरा माओ को शुद्ध करने की बात करेंगे, उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, मध्य प्रदेश को स्तर को कैसे बढ़ाना, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भटक गए। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महाकाल मुख्यमंत्री जी को अपनी स्मृति वापस लौटा, ये मेरी भगवान महाकाल से प्रार्थना है। इसका मतलब यह है कि तो फिर आपका ये आपको मालूम है पूरी जमीनों को ढूंढ ढूंढ के सरकार की भोपाल एक चीज अच्छी हुई है, जो वो जमीनें बिकी हैं वो 25,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकी है, और लेकिन इन्होंने साथ में पुनर्घरत्वीकरण योजना में घोटाला कर रखा है, पैदल चला रखा है। हमारे एरिया में राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण में, सुनिएगा, राजेंद्र शुक्ला जी के पार्टनरशिप में समदरिया बिल्डर को वही जमीनें 2,200 रुपए स्क्वायर फीट में दी गई है, और उसके बदले में पैसे भी नहीं मिले, कहीं घास लगवा लिया, कहीं पेड़ पौधे लगवा लिया, और 1,000-1,500 का घोटाला हुआ है। बहुत निराशाजनक था, भटका हुआ भाषण था, मुद्दों से हटा हुआ भाषण था, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से हटा हुआ था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का जो भाजपा ने संकल्प पत्र बनाया था मध्य प्रदेश की जनता को और मतदाताओं को कन्विंस कराने के लिए, उन सबसे भटका हुआ भाषण था, और वो धर्म की ठेकेदारी वाली बात करने लग गए कि हम भाजपाई, हम राम जी के, कृष्ण जी के और हिंदू देवी देवताओं के हम ठेकेदारी, इस तरह की बात कर रहे थे। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश में 342 मंदिर मैंने बना दिए 9 करोड़ रुपए के, तो क्या मुझे आपसे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? हम मानते हैं, दिल में मानने की बात है, और हम पूछते हैं हमारे देवी देवताओं का, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में हमको इनसे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, कृष्ण भगवान के बारे में प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? जो मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो बात कहना थी, मतदाताओं के लिए बात करना थी, सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए बात करना थी, उससे वो भटके हुए थे। वो टाइम चेंज करने की ना बात, मुझे बताओ अपने मोहन यादव जी टाइम चेंज कर सकते हैं क्या मध्य प्रदेश का, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जो उनके अधिकार क्षेत्र की बातें और मुद्दे नहीं थे उन पे फालतू की बात करके सदन का भी टाइम वेस्ट कर रहे थे, और मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं से वंचित भी करते गए। लाडली बहनों को लेकर ठीक है, रोल करें, ठीक है, रोल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, न तो राज्यपाल जी के अभिभाषण में, जब उनका अभिभाषण चल रहा था तब भी हमको जेल लग रहा था कि शायद हम दिल्ली के संसद भवन में बैठे, हमें लगा ही नहीं, हमें लगा यार अच्छी बात है, प्रमोशन कर दिया, बिन चुनाव लड़ाई इन्होंने लोकसभा भेज दिया। तो जितनी बार मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, और हकीकत ये कि ये जो वर्तमान सरकार बनी है,
ये लगता नहीं हमें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का जनादेश उन्हें मिला। मेरा तो मानना है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मोदी और शाह इसलिए इतने निरंकुश हैं, इसलिए उन्होंने तीनों राज्यों में जिस तरह से पूरे नेतृत्व को साइडलाइन किया है, उनको डर इसलिए नहीं है कि ये ईवीएम से निकला जनादेश है। उन्हें मालूम है कि इनके द्वारा कोई इनका वो नहीं है योगदान। और उसके बाद जब लगातार अभिभाषण चल रहा था तब भी मोदी 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 जी के अलावा कुछ नहीं था, मतलब इसका मतलब शिवराज जी ने कुछ किया नहीं। और अब जब हमें लगा कि नए मुख्यमंत्री आएंगे सदन में वक्तव्य देंगे तब तो इस छाया से बाहर निकलेंगे, लेकिन नहीं, वो छाया में और बिल्कुल बंधे हुए लगे। एक बार भी प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं, किसान के बारे में चर्चा नहीं, किसान को बिजली नहीं मिल रही है इसके बारे में चर्चा नहीं, किसान की जो डीपियां इन्होंने चुनाव के समय रखवा दी वो डीपियों को लगातार उठवा रहे हैं इसके बारे में चर्चा नहीं। पहले आपने कह दिया कि किसान का बिल माफ करेंगे, अब एक महीना हुआ नहीं, अभी सदन पहली बार लगा है, क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि साहब डीपी उठ रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पूरे गांव के कनेक्शन बंद किए जा रहे हैं, भाई इस पे कोई चर्चा नहीं है उनकी। चाहे शहर का मामला हो, जब शहर में उन्होंने कहा था 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हम देंगे, अब उसमें 1000, 2000, 3000, 4000 का बिल जनता के पास पहुंच रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं की। और समस्या का समाधान कैसे होगा इस पे कोई चर्चा नहीं। वहीं तीर्थ दर्शन कराएंगे, तीर्थ को ले जाएंगे, मंदिर भव्य बना दिया उसको फ्री में ले जाएंगे, ये सारी वही बातें हैं, कोई जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री हुए वो देवलोक में चले गए, भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी से आते हैं, बाबा महाकाल की जय हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मध्य प्रदेश शासन ने महान महामहिम का अभिभाषण तैयार किया उसकी एक बातें नहीं की, ना लाडली बहनों की बात की, ना किसान भाइयों के गेहूं की बात की, ना 450 की गैस की टंकी की बात की, ना धान की बात की, ना बिजली, ना सड़क, ना पानी की बात की, ना स्वास्थ्य की बात की, ना शिक्षा की बात की। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को वापस देवलोक से लाना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री है, मुझे काफी उम्मीद थी कि भगवान महाकाल लोक पे चर्चा करेंगे, छिपरा माँ को शुद्ध करने की बात करेंगे, उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, मध्य प्रदेश को स्तर को कैसे बढ़ाना, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भटक गए। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महाकाल मुख्यमंत्री जी को अपनी स्मृति वापस लौटाए, ये मेरी भगवान महाकाल से प्रार्थना है। ठीक है।